मधुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे स्पाइसी फिश फ्राई। इसके लिए हमें चाहिए फिश। मैंने रोहू फिश ली है, आप कोई भी कम कांटे वाली फिश ले सकते हैं। अखा धनिया, जीरा, लाल अखी मिर्च, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, कसूरी मेथी, बेसन, लहसुन का पेस्ट, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, दही और तेल। तो अब हम फिश फ्राई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मसालों को रोस्ट कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को 40 सेकेंड तक रोस्ट कर लेंगे। 40 सेकेंड हो चुके हैं, कसूरी मेथी को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच अखा धनिया डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्च डालेंगे। 7 से 8 लौंग डालेंगे। आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे। 2 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इन सारे मसालों को 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। गैस को मीडियम आंच पर रखकर मसालों को लगातार चलाते रहेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 7 से 8 लाल मिर्च डालेंगे। गैस को बंद करेंगे और इसे 1 मिनट तक चलाते रहेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम मसालों को जार में डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हमने पीस लिया है। अब हम फिश को मैरिनेट करेंगे। बाउल लेंगे, बेसन डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये हमने कलर के लिए यूज किया है, नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार डालें, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, मिला लेंगे। अब हमने जो मसाला पीस के रखा है वो हम इसमें डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे, मिला लेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिला लेते हैं। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, क्रश कर लेंगे। मिला लेंगे। अब हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें फिश डालेंगे। फिश पे अच्छी तरीके से मसाले को लगा लेंगे। सारा मसाला हमने फिश में अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। अब हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दो घंटे हो चुके हैं, हमारी फिश अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमने तेल पहले से ही गरम करने रखा है, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें फिश डालेंगे। फिश को हम 2 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद इसे टर्न करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम फिश को टर्न करेंगे। फिश को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारी फिश दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है,
अब हम इसे किचन टॉवल में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की फिश भी फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है हमारी स्पाइसी फिश फ्राई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।